गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज हमारा टॉपिक है, लेसन थ्री है, प्लस टू की तमिलनाडु की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं, मतलब तमिलनाडु बोर्ड की हम बुक कर रहे हैं बेसिकली। तो उसमें लेसन थ्री कर रहे हैं और हमारा टॉपिक क्या है, द मार्क्वेस ऑफ लेस्ली। क्योंकि हमने कल एक टॉपिक किया था, कॉर्नवॉलिस के बारे में डिस्कस किया था। भारत हिंदुस्तानी, वेरी गुड आफ्टरनून। राम कुमार, ऋतु राज, वेरी गुड आफ्टरनून। यार सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक बहुत ही कम बच्चे हैं तो सबको शेयर कर दो यार, फटाफट सबको शेयर कर दें। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सौम्या पांडे, वेरी गुड आफ्टरनून सौम्या दास, वेरी गुड आफ्टरनून सबा फहीमदा। फटाफट यार लाइक कर दें यार वीडियो को, लाइक जरूर कर दें, क्योंकि लाइक करोगे तो ही जो है वो आपको गाइडेंस भी मिलेगी और भी बहुत सी चीजें आपके लिए आने वाली हैं। तो आप इन चार चैनल्स को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें, ज्योग्राफी 101, मैप्स 101, करंट अफेयर्स 101, इन सारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इनकी वीडियोस जो हैं वो मेरे और मेरी टीम के लिए जो हैं वो आप जो बना रहे हैं तो वो आपके तक पहुंच जाएं, यही मेरा लक्ष्य है। और ये चारों चैनल सब्सक्राइब करने से आपको जो है वो फायदा जरूर होगा। और गाइस, अनअकैडमी ऐप में आप मेरे साथ जुड़ें, क्विज कर सकते हैं वहां पे, स्पेशल क्लासेस आप वहां पे कर सकते हैं, प्लस कोर्स जो है मतलब मेरी जो पेड क्लासेस है वो देख सकते हैं, स्पेशल क्लासेस मतलब फ्री क्लासेस देख सकते हैं। लेकिन क्लासेस को असेस करने के लिए आपको कोड कौन सा यूज करना पड़ेगा, आशु। और आई होप कि सब बच्चों के पास एप्लीकेशन है, नहीं है तो डाउनलोड कर लें। और उसमें बहुत ही जल्दी मैं अनअकैडमी ऐप पे क्विज सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, तो उस क्विज सीरीज में जुड़ें और मैं आपको बताऊंगा कि उसका टाइम क्या और कौन सी क्विज सीरीज जो है वो हम स्टार्ट करें। बहुत ही जल्दी उसके ऊपर प्लान चल रहा है और बहुत ही जल्दी जो है वो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो टेस्ट सीरीज आपके सामने आएगी, उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आजकल के टॉपिक्स के बारे में जो पूछे जाएंगे। तो गाइस, एक टॉपिक डिस्कस किया करेंगे उसमें और उसके ऊपर क्वेश्चंस किए जाएंगे, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। और स्पेशल क्लासेस को देखने के लिए भी आपने कोड कौन सा यूज करना है, आशु कोड को यूज करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसको आप यूज कर सकते हो और इससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, ये भी आपको जो है वो क्या होगा, फायदा होगा। तो फटाफट यार सारे बच्चे जुड़ जाएं इसमें, सारे बच्चे जो है वो जुड़ जाएं, बहुत सी चीजें जो है वो देखने को है, बहुत सी चीजें जो है वो करने को है। यस सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर, बिल्कुल। आ रही है भाई, बिल्कुल आ रही है, एक आधा मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, दिखने लग गया हूंगा मैं मेरे ख्याल से। यस, वेरी गुड आफ्टरनून। तो यार फटाफट आज के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो को यार लाइक कर दें, शेयर कर दें, बहुत ही जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है प्रेजेंट होने चाहिए। गुड आफ्टरनून सलोनी, वेरी गुड आफ्टरनून मलिक साहब, लवप्रीत कौर, सलोनी जैन, वैशाली श्रीवास्तवा, सबा फहमुदा, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून अनुराथोड़, विवेक कुमार, यार सब लोग डेली जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग जो हैं वो डेली जुड़ रहे हैं। और यही एक खास बात है हमारे एनसीईआरटी प्रोग्राम की, कि डेली बच्चे अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ही अच्छे से जो है वो आ रहे हैं। ऑलरेडी अपडेटेड है यार, ऑलरेडी अपडेटेड है टेलीग्राम पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अपडेटेड है बिल्कुल। आपको मैसेज आ गया होगा टेलीग्राम पे भी कि सर लेक्चर है 12 o'clock, तो ऑलरेडी पोस्टेड है वहां पे। यस सर, फिर सारी चीजें बच्चे जो है वो देख रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत प्राउड है कि आप लोग जो है वो दिल्ली आ रहे हो। वेरी गुड आफ्टरनून सुरवीन गूगल, लाव्या रानी, मीनू चौधरी, निशा रानी, मनीषा निषद, श्याम बाबूर, आर्या, वेरी गुड आफ्टरनून, दिल्ली आ रहे हो यार, वेरी गुड, वेरी गुड आफ्टरनून मान्या, सचिन सिंह। चलो स्टार्ट करते हैं लेस्ली, लेस्ली के ऊपर बात करते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो फटाफट, वालेकुम अस्सलाम जावीर, जावीर टेलीग्राम चैनल जो है उससे अपडेट कर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया गया है, वो आपको जो है वो चीजें पता लग चुकी हैं। तो मार्क्वेस ऑफ लेस्ली को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या है हमारे पास, तो आज हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, पूरा चैप्टर आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जितनी भी चीजें कंप्लीट होंगी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो कर सकें। पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, जब लेस्ली को अपॉइंट किया गया उस टाइम पीरियड पे क्या थी वो हमने देखना है, मतलब हमने टाइम पीरियड की बात करें 1798 की बात करें, क्योंकि कल हमने क्या किया था, कल हमने जो है वो कॉर्नवॉलिस को देखा था, कॉर्नवॉलिस का टाइम पीरियड जो है वो 1793 तक था,
और 1793 से 98 तक कौन रहेगा, मैंने कल बता के छोड़ा था आपको, कौन रहेंगे, जॉन शोर रहेंगे। तो जॉन शोर जो है वो 98 तक रहते हैं, जिसमें वो अपनी कुछ लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड पॉलिसी लेके आ रहे हैं। तो आपको पता ही है कि हम एक बेसिक सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी 101, मतलब अगर आप देखोगे इस चैनल के ऊपर आप बैठे हुए हो, लेकिन यूपीएससी 101 के ऊपर हम मास्टरिंग एक सीरीज लेके आ रहे हैं। जब तक आपका बैच स्टार्ट नहीं होता तब तक हम आपको बेसिक्स करवाएंगे। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बेसिक्स करवाऊंगा, जिसमें लाइक लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो गया, कुछ मुश्किल मुश्किल से चीजें होंगी जो आपने शायद सुनी तो होंगी लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि वो चीजें क्या हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही जल्दी जो है वो, मैं आज तो नहीं लेकिन कल से हम उसको जो है वो स्टार्ट करेंगे। बहुत ही जल्दी हम उसको क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून निधि मिश्रा, वेरी गुड आफ्टरनून। टेलीग्राम चैनल जो है यार वो बताया हुआ है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसके, और लास्ट में आप देख सकते हो स्लाइड के, आपको मिल जाएगा द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी अलायंस, वो देखेंगे हम कि सब्सिडरी अलायंस एक्चुअल में क्या है, उसके मेरिट्स क्या हैं, डिफेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि डिफेक्ट्स आपको ज्यादा लगेंगे अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से आप देखोगे, मेरिट्स जो है वो आपको कम लगेंगे। इंडियन स्टेट्स दैट कम अंडर दिस सिस्टम, कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट्स जो है वो इसके अंडर आ गई थी, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही आ गया था, क्योंकि हमने सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर किया था, थर्ड किया हमने, फिर फोर्थ डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे कौन था, 1799 में लॉर्ड लेस्ली थे, और फाइनल जो है टिप्पू सुल्तान की डेथ हो जाएगी। फिर मराठास के साथ दोस्तों वॉर होगी, क्योंकि मराठास की एक वॉर हम डिस्कस कर चुके थे, दो वॉर्स पेंडिंग है उनकी। फिर आएगा एस्टीमेट कि उनका जो है वो किस तरह का कार्यकाल जो है वो रहा है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर? तो मेरे ख्याल से सब बच्चे यार जुड़ जाएं, सब बच्चे फटाफट जुड़ जाएं इस चीज को। यस, गुड आफ्टरनून, वालेकुम सलाम, व्हाट्स योर टेलीग्राम चैनल? हाँ जी, फटाफट सब बच्चे जुड़ जाएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें फटाफट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यार रीच होनी चाहिए। अगर आप लोग नहीं पहुंचाओगे तो इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट, वेरी 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 मच डिफिकल्ट। क्लियर? चलो तो हम करते हैं। तो भाई इस बंदे का पूरा नाम क्या है, इस बंदे का पूरा नाम है द अपॉइंटमेंट ऑफ रिचर्ड कॉले लेस्ली। तो इसको याद रखना है कि अपॉइंटमेंट की गई रिचर्ड कॉले लेस्ली की एज ए गवर्नर जनरल, मार्क्स एंड इपॉच इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ये एक ऐसी अपॉइंटमेंट थी कि ये ब्रिटिशर्स को भी नहीं पता था कि आगे जाके इतनी कारगर सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इंडिया के अंदर शामिल करने की कोशिश जो है वो की है। और वो कौन सी थ्योरी के थ्रू, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू दोस्तों इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की है। इसीलिए ये अपने आप को किस नाम से जानते थे, ये कहते थे बंगाल टाइगर के नाम से, इन्होंने अपने आप को टाइटल ये दिया हुआ था। क्या टाइटल दिया हुआ था? बंगाल टाइगर। तो दो चीजें हमें पहली स्लाइड या पहले पॉइंट से सीखने को मिली, एक तो इनका पूरा नाम क्या था, आरसी लेस्ली, मतलब रिचर्ड कॉले लेस्ली पूरा नाम था इनका, और इनको अपॉइंट किया गया था 1798 में अपॉइंट किया गया था, और ब्रिटिश इंडिया के लिए ये एक मील का पत्थर जो है वो क्या हुआ, साबित हुआ। और इन्होंने अपने आप को टाइटल क्या दिया हुआ था, बंगाल टाइगर के नाम से इनको जाना जाता था, बंगाल टाइगर के नाम से इनको जाना जाता था। तो लेस्ली केम टू इंडिया विद ए डिटर्मिनेशन टू लॉन्च ए फॉरवर्ड पॉलिसी इन ऑर्डर टू मेक द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इनटू द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। अभी क्या चल रहा था कि एक इंडिया है, उसमें ब्रिटिशर्स जो है वो अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे हम, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर ब्रिटिश एम्पायर के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन वो चाहता था कि उसने कन्वर्ट क्या करना है, द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, उसने करना है कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो इंडिया जो है वो पूरा का पूरा वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर काम करे। तो इसी सोच के साथ जो है वो इंडिया के अंदर आया। तो आप सोच सकते हो कितनी अच्छी लाइन है जो आप मेंस के अंदर यूज कर सकते हो। तो ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया की जगह वो चाहता था ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया जो है वो बन जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपने। द सिस्टम व्हाट ही अडॉप्टेड टू अचीव हिज ऑब्जेक्ट, अब मैंने पहले बताया जिसने उसने ऑलमोस्ट आधा इंडिया जो है वो कब्जे में कर लिया था, वो कौन सी थ्योरी थी दोस्तों, वो थी सब्सिडरी अलायंस। वो कौन सी थ्योरी थी, सब्सिडरी अलायंस। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर, याद रखना है, सब्सिडरी अलायंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ लेस्ली अराइवल, क्या कंडीशन थी लेस्ली के अराइवल की, पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो क्या थी, तो क्या थी वो आपने जो है वो देखना है। सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो था, डेंजर ऑफ जमन शाह अग्रेशन पोस्ड ए सीरियस थ्रेट टू द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो यार ब्रिटिश पावर को एक तंग कर रहा था बंदा, उस बंदे का नाम क्या था, जमन शाह।
तो उसको अपने थोड़ा सा नाम याद रखना है कि कौन सा बंदा जो है वो उनको तंग कर रहा था, वो था जमन शाह, और बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव था, ब्रिटिशर को तंग कर रहा था, मतलब बहुत से एरिया को कैप्चर कर रहा था, और ब्रिटिशर को डर था कि कहीं ये नॉर्थ वेस्ट से जो है वो मेन इंडिया की तरफ ना आ जाए, तो हमें क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए उसको खत्म करना या उसको रोकना जो है वो किसी ना किसी तरह से जरूरी था। तो पहला तो ये हो गया कि ये कंडीशन थी उस टाइम पे। इन द नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया मराठा रिमेंड से फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पावर। तो मराठास यार बहुत स्ट्रांग थे, आपको पता है कि मराठास का एरिया जो है, लाइक अगर आप देखोगे कि उसमें आप महाराष्ट्र का काफी बड़ा एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया, और इवन गुजरात का कुछ एरिया, तो कहां बहुत बड़ा एम्पायर जो है उनके पास था। और निजाम ऑफ हैदराबाद एम्प्लॉयड द फ्रेंच मैन टू ट्रेन हिज आर्मी, और उन्होंने फ्रेंच को रखा हुआ था निजाम ऑफ हैदराबाद ने। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको निजाम दिख रहा है, यहाँ पे आपको मराठास का एम्पायर दिख रहा है, तो इन्होंने जो है वो फ्रेंच को रखा हुआ था अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए, मतलब यूरोपियन लाइन से ये भी अपनी आर्मी को क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इनको भी टैकल करना है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, मराठास और निजाम को टैकल करना है। तीसरा पॉइंट, द पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द कर्नाटक रीजन और द कंटिन्यूड एंड टिप्पू सुल्तान हैड रिमेन द अनकंप्राइजिंग एनिमी ऑफ द ब्रिटिश। और तीसरा क्या था भाई, मैसूर का एम्पायर। तो इसका मतलब हमारे पास तीन चीजें होगी जिसको समझना बहुत जरूरी है। मैप में समझते हैं थोड़ा सा कि अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडिया का मैप है हमारे पास, तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक प्रॉब्लम थी किसकी, जमन शाह की। तो उसको हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है किसी ना किसी तरह से, मतलब ब्रिटिशर ने कंट्रोल करना है। एक हमारे पास यहाँ पे कौन सा एम्पायर था, मराठास था, उनको हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है, मतलब ब्रिटिशर्स ने इसको कंट्रोल करना है किसी ना किसी तरह से। और एक यहाँ पे क्या था, निजाम्स थे, निजाम ऑफ हैदराबाद, इसको भी जो है वो ब्रिटिशर ने कंट्रोल करना है। ये उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहे थे। और एक हमारे पास यहाँ पे क्या था, मैसूर किंगडम था दोस्तों। तो मैसूर किंगडम को भी क्या करना है, रोकना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, चार पॉइंट्स हो गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। तो इस तरह से आप इसको याद रखोगे कि किन तरह की परिस्थितियां थी जब लेस्ली जो है वो इंडिया में अपॉइंट किए गए। मतलब मैं कौन सी ईयर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1798 की। तो टाइम पीरियड याद रखना, और कब तक रहेंगे ये भी आप याद कर सकते हो, 1805 तक जो है वो लेस्ली रहेंगे। इसका मतलब अगर आप गवर्नर जनरल को भी याद रखो, तो मैंने आपको सारे के सारे अभी तक करवाए हैं जब से हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले आपको पता है कि हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में अपॉइंट किए गए थे, और कब तक रहेंगे, 1786 तक रहेंगे। फिर आपको पता है कि 1786 में जो है वो कौन आ जाएगा, 1793 तक हमने कहा था कि कॉर्नवालिस जो है वो वहां पे रहेंगे। फिर 1793 से हमारे पास अगला टाइम पीरियड जो है वो किसका आता है, वो आता है जॉन शोर का। फिर हमारे पास कौन रहते हैं, जॉन शोर रहते हैं। फिर हमारे पास चौथे नंबर पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेस्ली को। और टाइम पीरियड आपको पता लग गया 1800 कहां तक रहेगा, 5 तक रहेगा। तो गाइस स्थितियां आपको पता लग गई है कि जब लॉर्ड लेस्ली आए थे तो वो किस तरह की स्थितियां थी। आते सार उन्होंने क्या कर दिया, एक सिस्टम बना दिया, जिस सिस्टम को क्या नाम दिया गया, सब्सिडरी अलायंस दिया गया। मेरे ख्याल से यार सारे बच्चों को पता होगा कि यार सब्सिडरी अलायंस क्या है, लेकिन आज उसको पॉइंट टू पॉइंट जो वो डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी जो है वो बेसिकली क्या है। द प्रेडिसेसर्स ऑफ लेस्ली कंक्लूडेड अलायंसेस विद इंडियन प्रिंसेस लाइक द नवाब ऑफ अवध एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। अब आपको पता है कि यार इससे पहले जो भी लेस्ली से पहले आए थे, अभी हमने डिस्कस किया, जितने भी गवर्नर जनरल थे उन्होंने नवाब ऑफ अवध के साथ समझौता किया है, निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ समझौता किया है, मैसूर से लड़ने के लिए, मराठा से लड़ने के लिए। तो आपने देखा है कि ये समझौते हुए थे। आपने रोहिल्ला वॉर के अंदर देखा नवाब ऑफ अवध के साथ समझौता हुआ, ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद के अंदर देखा कि आपने मैसूर के लिए समझौता हुआ। लेकिन ये समझौते जो है वो एक छोटे पार्ट के लिए थे, एक प्रॉपर जो है वो पूरे एंड तक जाने के लिए नहीं थे, एक चीज को सॉल्व करने के लिए समझौते किए गए थे। लेस्ली इनलार्ज्ड एंड कंसोलिडेटेड द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम। अब ये समझौतों का सिस्टम तो चल ही रहा था, उसने इसको और भी क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, नई थ्योरी देके, सब्सिडरी अलायंस। इसको हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सहायक संधि। क्या कहते हैं, सहायक संधि, याद रखना इसको क्या कहते हैं, सहायक संधि भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउएवर हिज ओरिजिनैलिटी वाज रिवील्ड इन इट्स एप्लीकेशन। पता तब लगा उसको जब इसको क्या कर दिया गया, अप्लाई कर दिया कि ये इतना मील का पत्थर जो है वो क्या होगा, साबित होगा, और बहुत सा एरिया किसके पास चला जाएगा, ब्रिटिशर के पास चला जाएगा। मेन फीचर्स क्या हैं, ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट देखना, फिर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करवाऊंगा। एनी इंडियन रूलर हु वांटेड इनटू द सब्सिडरी अलायंस। पहले तो उन्होंने जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया के अंदर सबको कह दिया कि भाई अगर कोई हमारे साथ आता है, ध्यान से देखो मैं एक मैप से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लो कोई एरिया है यहाँ पे इतने प्रिंसली स्टेट्स जो है वो बैठे हुए हैं,
तो वो प्रिंसली कहता है, राजा कहता है कि यार मेरी सेना अच्छी नहीं है, तो ब्रिटिशर कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमारी सेना लगा लो, उसको ट्रेन करेंगे, हम आपकी सेना को भी साथ में ट्रेन करेंगे, लेकिन कमांडर जो है वो ब्रिटिशर होगा, क्योंकि वही देखेगा कि किस तरह से काम होगा। तो ये उन्होंने अलायंस दी थी, और उन्होंने ये कह के अलायंस का ऑफर दिया था सारे राजाओं को कि कल को अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो आप हार नहीं पाओगे, क्योंकि सेना किसकी है, ब्रिटिशर की है, मतलब हमारी है, तो इसका मतलब आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। तो जब दूसरे राजा को पता लगा कि यार सामने वाले राजा ने ब्रिटिशर सैनिकों को रख लिया है तो हम तो कभी हरा ही नहीं पाएंगे, तो उन्होंने सोचा हम भी ब्रिटिशर सैनिक रख लेते हैं, मतलब हम भी सब्सिडरी अलायंस का क्या बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं। तो धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे उस टाइम पीरियड पे कम्युनिकेशन तो था नहीं कि एक ही दिन के अंदर मैसेज सब तक पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, धीरे धीरे करके ये सारे राजाओं के पास मैसेज पहुंचेगा कि यार इस तरह की कोई अलायंस थ्योरी आई हुई है जिसमें ब्रिटिशर सैनिक जो है वो आप रख सकते हो। तो धीरे धीरे करके बहुत से राजा जो है वो इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब प्रॉब्लम ये होगी कि उनका खर्चा कौन देगा दोस्तों, अब वो रख तो लिए आर्मी में, मेरे एरिया के अंदर मैंने ब्रिटिशर सैनिक रख तो लिए, अब भाई मेरे एरिया में रखे हैं, मेरी रक्षा के लिए रखे हैं, तो पैसा कौन देगा, मैं दूंगा, यही ब्रिटिशर ने कह दिया कि भाई पैसा कौन देगा, आप दोगे। तो राजा कहता ठीक है, लेकिन कई राजाओं को लगा कि यार ब्रिटिशर का जो मंतव है, जो इसके पीछे मंशा है, वो सही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम सैलरी नहीं देंगे। तो ब्रिटिशर कहते कोई बात नहीं भाई, सैलरी नहीं देनी मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा करो आपके पास इतनी वास्ट टेरिटरीज हैं, इतनी दूर दूर तक आपकी जमीन फैली हुई है, उसमें से कुछ एरिया आप हमें दे दो। तो राजा कहता कोई बात नहीं भाई, जमीन देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब जब तक ये पूरी पॉलिसी आने वाले 30 सालों के अंदर, 30 ईयर्स के अंदर सक्सेसफुल बनेगी, तब तक जो है वो बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाएगा, क्योंकि बहुत से राजाओं ने बहुत सी जमीन जो है वो किसको दे दी गई होगी, ब्रिटिशर को दे दी होगी। तो ये सब्सिडरी अलायंस की सक्सेसफुल है, मेरे ख्याल से एक आपको स्टोरी जो है वो पता लगी होगी। अब पॉइंट टू पॉइंट जो है वो इसको फटाफट देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इसको समझते हैं। तो देखो कोई भी इंडियन रूलर अगर सब्सिडरी अलायंस को मान लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, विद द ब्रिटिश हैड टू मेंटेन ए कॉन्टिजेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रूप इन इस टेरिटरी। तो इसका मतलब अगर सब्सिडरी अलायंस को मान लेता है तो जो ब्रिटिशर के सैनिक है उसको अपनी टेरिटरी के अंदर लगाने पड़ेंगे, जो भी राजा इसको मानेगा। द इंडियन स्टेट वॉज कॉल्ड द प्रोटेक्टेड स्टेट। अब इंडियन स्टेट को क्या कहा जाएगा, क्योंकि रखा किस लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को, इसलिए उसको क्या कहेंगे, प्रोटेक्टेड स्टेट कहेंगे। प्रोटेक्टेड स्टेट शुड गिव सम मनी और गिव पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी टू द ब्रिटिशर टू सपोर्ट द सब्सिडरी फोर्स। मैं पहले बता चुका हूं, या तो पैसा दोगे उसको संभालने के लिए, या फिर क्या दोगे, आप कुछ एरिया दोगे ब्रिटिशर को उसको संभालने के लिए। तो दोनों में से एक चीज आपको करनी पड़ेगी अगर आप सब्सिडरी अलायंस मान लेते हो, तो सिंपल हो गया। नेक्स्ट, द प्रोटेक्टेड स्टेट शुड कट ऑफ इट्स कनेक्शन विद द यूरोपियन पावर अदर देन द इंग्लिश, विद द फ्रेंच इन पर्टिकुलर। अब देखो वो कहते हैं कि उस टाइम पीरियड पे यार और भी ज्यादा पावर्स थी, खास करके फ्रांस भी था उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि टिप्पू सुल्तान के साथ अभी लास्ट वॉर जो है वो नहीं हुई थी। तो ब्रिटिशर का ये एक एग्रीमेंट था कि यार अगर आप हमारे साथ टाई अप करते हो तो इसका मतलब आप किसी और यूरोपियन पावर के साथ टाई अप नहीं कर सकते, लाइक पोर्तुगीज, फ्रेंच या फिर डच या दानिश, किसी के साथ भी आप टाई अप नहीं कर सकते, ये उन्होंने कह दिया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, द रूलर ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट शुड कीप ए ब्रिटिश रेजिडेंट इन हिज कोर्ट एंड डिसबैंड हिज ओन आर्मी। अब ये कह दिया गया कि जो भी रूलर सब्सिडरी अलायंस को मानेगा वो एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा। ब्रिटिश रेजिडेंट का मतलब एक ब्रिटेन का बंदा जो वहीं पे रहेगा, उनके ही एरिया में रहेगा, जो ये निगाह रखेगा कि कहां से किस तरह से काम हो रहा है, कहीं राजा ब्रिटेन के खिलाफ तो नहीं कोई साजिश रच रहा, तो उसको देखने के लिए जो एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा अपने दरबार में रखेगा वो, और अपनी आर्मी जो है वो राजा यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रिटिशर की आर्मी ज्यादा अच्छी है, वेपन्स अच्छे हैं उनके पास, स्किल्स अच्छी हैं, तो वो उनको रखेगा। पैरामाउंट पावर शुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट। मतलब पैरामाउंट पावर कौन है, ब्रिटिशर्स हैं। वो कहते कोई बात नहीं, हम आपको ये श्योरिटी देते हैं कि आपका जो इंटरनल मैटर्स है उसके अंदर हम कोई दखलंदाजी नहीं देंगे, हम सिर्फ एक्सटर्नल मैटर्स के अंदर देंगे, लाइक आपका झगड़ा किसी के साथ हो रहा है तभी हम जो है वो क्या देंगे, दखलंदाजी जो है वो इसमें करेंगे। मेरे ख्याल से आपको चारों पॉइंट्स क्लियर हैं, एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं, फिर आपके थंब एक्सप्रेशन जो है वो मेरे पास पहुंच जाने चाहिए। फटाफट यार इसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, एक साफ सी स्लाइड लेते हैं और इसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, यहां पे इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो फटाफट देखो यहां पे पहला पॉइंट क्या है, सब्सिडरी अलायंस का, कलर चेंज कर लेते हैं। यस, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट हमारे पास है कि वो कहते हैं कि ब्रिटिशर ट्रूप्स जो हैं वो सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस के अंदर कहां पे लगेंगे, प्रिंसली स्टेट के अंदर जो हैं वो लगाए जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रिंसली स्टेट के अंदर लगाए तो जाएंगे, उसको क्या कहेंगे हम, प्रोटेक्टेड स्टेट के नाम से जाना जाएगा।
ब्रिटिशर्स जो हैं उसको किस नाम से जानेंगे, प्रोटेक्टेड स्टेट के नाम से जानेंगे, ये पॉइंट जो है वो वहां पे कह दिया। मतलब एक जो संधि होगी उसके तहत जो है वो क्या किया जाएगा, उसको प्रोटेक्टेड स्टेट कहा जाएगा। तीसरा, उसको पैसा दिया जाएगा सैलरी के बेसिस पे, या फिर क्या दी जाएगी, कुछ लैंड अलॉटमेंट की जाएगी ताकि ब्रिटिशर जो है वो उनका खर्चा जो है वो उठा सके। और वो कौन देगा, वो प्रिंस देंगे भाई वहां के, जो मतलब राजा है जिसकी नेटिव स्टेट्स है, तो वहां पे इसको जो है पैसा दिया जाएगा। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, चौथा पॉइंट क्या है कि उसको यूरोपियन की किसी भी पावर के साथ अपने लिंक को जो है वो क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, अबॉलिश करना पड़ेगा। मतलब जो यूरोपियंस के साथ कोई भी लिंक है, चाहे पोर्तुगीज है चाहे फ्रांस है, खास करके फ्रांस, क्योंकि टिप्पू सुल्तान था उस टाइम पे, तो उसको खत्म करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट हम कह सकते हैं कि क्या है, फिफ्थ पॉइंट है कि उन्होंने कह दिया कि आपको अपनी आर्मी जो है वो नहीं रखनी, हम आपकी आर्मी को पहले ट्रेन करेंगे, आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते। दूसरी चीज कि हमारा एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी जो है वो आपके यहाँ पे रहा करेगा, मतलब ये निगाह रखा करेगा कि कहीं पे आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, सिक्स्थ पॉइंट है कि आपके इंटरनल अफेयर्स में हम कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, ब्रिटिशर कोई भी दखलंदाजी जो है वो नहीं किया करेगा। इसका मतलब वो अपनी पूरी की पूरी पावर उस स्टेट में क्या कर लेंगे, एस्टेब्लिश कर लेंगे। मेरे ख्याल से यार क्लियर होगा यहां तक, सारे बच्चों को रिवाइज भी मैंने करवा दिया दो दो बारी, तो अब यार फटाफट मुझे बता दो कि यस और नो सर बिल्कुल क्लियर है या नहीं क्लियर है। सब बच्चे यार थंब एक्सप्रेशन देंगे कि हाँ सर क्लियर है बिल्कुल। और जो बच्चे बाद में जुड़े हैं यार लाइक कर दें वीडियो को, शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें, इस चीज को बहुत ही जरूरी है लाइक और शेयर करना, क्योंकि जब आप अपने ग्रुप्स में शेयर करते हो तो और भी बच्चे जुड़ते हैं। और मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे अपने एक फ्रेंड को जरूर जोड़ें साथ में, ताकि उसको भी जो है वो बहुत ही अच्छी चीजें सीखने को मिले। अगर आपको लगता है कि डेली हम कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, तो आप अपने फ्रेंड को जरूर रेफर करेंगे। थैंक यू गाइस, सब लोग दे रहे हैं यहाँ पे थंब एक्सप्रेशन जो है वो सब बच्चे दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहां तक सारी बच्चों को चीजें क्लियर होंगी। लेकिन यार थंब एक्सप्रेशन में भी आप लोग कंजूसी कर रहे हो। ओके रिपोर्ट है सर, सर सिक्स्थ पॉइंट रिपीट कर दो। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, सिक्स्थ पॉइंट है कि इंटरनल अफेयर्स में ब्रिटिशर कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। इंटरनल अफेयर मतलब लाइक एडमिनिस्ट्रेशन में या कुछ और में कोई भी प्रजा का मैटर होगा, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी। किसी और किंगडम के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है उसमें हम दखलंदाजी देंगे, अदरवाइज कोई दखलंदाजी नहीं होगी। नोट्स बना लो भाई, अगर बना लेते हो इट्स गुड, अगर नहीं भी बनाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तमिलनाडु बोर्ड की बुक को डाउनलोड कर लो, उसमें सारी चीजें गिवन है। मेरा काम है आप तक चीजें पहुंचाना कि आपके दिल में बस जाए, वो दिमाग में नहीं दिल में बसाना है। चीजों को दिल में बिठाओगे तभी जो है वो समझ पाओगे। मतलब जब आप सामने एक मूवी देख रहे हो, मतलब इस तरह से आपको लगना चाहिए जब आप स्टोरी सुनते हो कि यार एक मूवी चल रही है, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। ईयर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ईयर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया भाई, सब बच्चों को क्लियर है, सब बच्चे थंब एक्सप्रेशन दे रहे हैं। एक का डाउट था, मैंने डाउट क्लियर कर दिया उनका। ओके चलो अब क्लियर है। चलो तो अब आते हैं लॉर्ड लेस्ली सब्सिडरी सिस्टम। और देखो इसमें बेनिफिट क्या हो रहा है ब्रिटिशर को, ध्यान से समझो, फिर से रिपीट करेंगे। लेस्ली सब्सिडरी सिस्टम इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मास्टर स्ट्रोक ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरह की थ्योरी जो है वो सामने आई हो, क्योंकि ब्रिटिशर को कब्जा करने के लिए इससे अच्छी चीज मिल ही नहीं सकती। क्योंकि देखो क्या होगा, अगर आप ध्यान से सोचियो अब जो बात मैं आपको कहूंगा, कि आप इतने एरियाज हैं इंडिया के अंदर, आप में मान लो 100 एरियाज हैं, जस्ट एग्जांपल ले लो कि 100 एरियाज हैं, इसमें से 60 ने सब्सिडरी अलायंस को मान लिया। इसका मतलब 60 एरियाज में ब्रिटिशर की एक तो जमीन होगी, एक ब्रिटिशर जो है वहां पे अपनी सेना भी जो है वो क्या कर चुके हैं, स्थापित कर चुके हैं। अब अगर कल को कोई राजा विद्रोह करता है तो ये 60 एरियाज को ब्रिटिशर एट ए टाइम क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि सेना का जो प्रबंध है वो किसके पास है, ब्रिटिशर के पास है, और एक बंदा ब्रिटिश रेजिडेंट वहां पे बैठा भी हुआ है। तो सोचो कितना अच्छा सिस्टम जो है ब्रिटिशर ने एस्टेब्लिश किया, और धीरे धीरे करके इन्होंने इन स्टेट्स को क्या करना स्टार्ट कर दिया, कैप्चर कर दिया। इट इंक्रीज द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी इन इंडिया एट द एक्सपेंस ऑफ प्रोटेक्टेड स्टेट्स। अब देखो उन्होंने कह तो दिया कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है प्रोटेक्ट कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास हथियार भी अच्छे हैं और उनके पास आप कहोगे स्किल्स, मतलब उनको जो है वो अच्छी चीजें सिखाई भी गई हैं आर्मी के अंदर, बाय डिफॉल्ट इंडिया से तो अच्छी होगी होंगी उस टाइम पीरियड पे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसका मतलब उनको प्रोटेक्ट करते करते जो है वो इंडिया ने धीरे धीरे करके अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो बना ली इंडिया के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इनडायरेक्टली, अगर 100 में से 60 स्टेट्स में भी सब्सिडरी अलायंस को मान लिया, इसका मतलब 60 एरियाज में ब्रिटिशर की सेना जो है वो वहां पे लग चुकी थी। अंडर द सिस्टम एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर बिकेम इजी। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं,
भाई इस केस में ब्रिटिशर जो है वो बहुत ज्यादा आसानी से किसी भी एरिया को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। दस लेस्ली डिप्लोमेसी मेड द ब्रिटिश द पैरामाउंट पावर इन इंडिया। इसलिए कहते हैं लेस्ली की जो डिप्लोमेसी है वही जो है, मतलब जो इनकी ये पॉलिसी है वही ब्रिटिशर को अपना पूरा क्राउन जो है वो, अपना जो पूरा राज है वो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे बन जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा अगर आप देखोगे सिस्टम जो है वो ब्रिटिशर के लिए बना। और इसको अगर कम पॉइंट्स में हम समझते हैं या इसको एक समरी के बेसिस पे हम समझते हैं तो हम कहेंगे कि ब्रिटिशर्स के लिए पॉलिसी बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने अपना पूरा का पूरा राज स्थापित करने में इस पॉलिसी की बहुत ज्यादा हेल्प ली, क्योंकि एक तो उन्होंने अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर ली थी, एक पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हो, कुछ लैंड भी ब्रिटिशर्स के पास पहुंच चुकी थी, क्योंकि कुछ जो राजा थे वो लैंड देते थे, सैलरी नहीं देते थे। इसका मतलब उनकी एक्सपेंशन जो है वो क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो एट द एंड जब ये ट्रीटी सक्सेसफुल होगी तो उसके बाद इसके बारे में और भी ज्यादा चर्चा जो है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। सर टिप्पू ने क्यों नहीं करी ये साइन? भाई जमीर भी अलाउ करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंच है वो, फ्रेंच के साथ मिलता था टिप्पू, मतलब उनके साथ बात मानता था। टिप्पू को ये नहीं पता था कि हम ब्रिटिशर को नहीं हरा पाएंगे, तो उसको डर था कि यार इससे अच्छा मर ही जाएं कि हम किसी के अंडर काम करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए टिप्पू ने भारत हिंदुस्तानी उसको साइन नहीं किया था। चलो डिफेक्ट्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस, अब थोड़ा सा डिफेक्ट देखते हैं इसमें क्या था। द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सब्सिडरी फोर्सेस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ अनार्की बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स सेंट अवे बाय द इंडियन प्रिंसेस। अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में यार एक चीज बताई थी, क्या चीज बताई थी कि इंडिया के लिए ये क्या है, डीमेरिट है, लेकिन ब्रिटिशर के लिए क्या है, मेरिट्स ही मेरिट्स हैं इसकी। तो इंडिया के लिए बेसिकली क्या है, ये डीमेरिट्स हैं। तो इंडिया के लिए डीमेरिट्स क्या है भाई, अगर ब्रिटिशर की सेना लगाएंगे, इंडियन अपना कोई राजा जो है वो सेना रख नहीं सकता, तो इसका मतलब जो ऑलरेडी सेना में भर्ती थे राजा की वो सारे क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इसका मतलब पहली डीमेरिट क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी उन बंदों की, वो बंदे जो कि क्या कर रहे थे, ऑलरेडी वहां पे सेवा में लगे हुए थे। प्लीज कोई पेज नंबर बता दो, चैप्टर थ्री में मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा। भाई चैप्टर थ्री देखो आप, उसमें हेडिंग ही ये है। चैप्टर थ्री क्या है, आपने एनसीईआरटी का देखा होगा, इंडियन आरपीजी गेमर, आरपी गेमर। तो ये बेसिकली क्या है, ये तमिलनाडु बोर्ड का है। तो तमिलनाडु बोर्ड का खोलो और चैप्टर नंबर है इसका द मार्क्वेस ऑफ लेस्ली, चैप्टर नंबर है ये, मतलब उसका नाम है ये। क्लियर सर? इट मींस लेस्ली ने भी ब्रिटिशर के पीर इंडिया में जमा दिए। यस बिल्कुल, उनके पैर जो है वो इंडिया में जमा दिए। लेस्ली ही ऐसा बंदा था जिसने बहुत ज्यादा पावर जो है वो आगे बढ़ा दी थी, तो इस चीज को आपने याद रखना है। चलो तो आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ, इसके ऊपर कर रहे थे। तो पहला पॉइंट हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट आ गई उन खास करके बंदों की जो बेसिकली किसके अंदर काम कर रहे थे, जो इंडियन राजा के अंदर काम कर रहे थे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द फ्री बूटिंग एक्टिविटीज ऑफ डिसबैंड सोल्जर्स वर फेल्ट मच इन द सेंट्रल इंडिया वेयर द मेनेंस ऑफ पिंडेरीज अफेक्टेड द पीपल। अब यार इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको पिंडेरीज के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन अब आपको बता देता हूं, पिंडेरीज एक तरह का ऐसा ग्रुप है जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करता था स्टार्टिंग में, और किसी को मारना हो, किसी को कुछ करना हो तो वो कौन करता था, पिंडारीज करते थे। तो ब्रिटिशर के लिए बेसिकली इन्होंने काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे करके ये ब्रिटिशर के खिलाफ होना स्टार्ट हो गए थे। द फ्री बूटिंग एक्टिविटीज ऑफ डिसबैंड सोल्जर्स वर फेल्ट मच इन द सेंट्रल इंडिया वेयर द मेनेंस ऑफ पिंडारीज अफेक्टेड द पीपल। अब कुछ यार ऐसे भी थे सोल्जर जिनको रख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से जो है वो सेना बनानी स्टार्ट कर दी थी, छोटी छोटी सेना, जैसे पिंडारीज ने एक ग्रुप बनाया हुआ था, ये लूटपाट करते थे गांव में जाके, है ना। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे करके तंग भी करना स्टार्ट कर दिया था, और इवन लोगों को भी तंग करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, क्योंकि जो पहले राजा होता था वो संभाल लेता था सारी चीजों को, राजा की जो सेना होती थी वो संभाल लेती थी। लेकिन अब ब्रिटिशर यार ऐसी चीजें कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो डिसबैंड सोल्जर्स थे उनकी मूवमेंट अब बढ़ गई थी, क्योंकि अब राजा नहीं देख रहा उसको, कौन देख रहा, ब्रिटिशर, और ब्रिटिशर को पता ही नहीं इस चीज के बारे में। इसलिए जो लोकल सेना थी लाइक पिंडारीज ग्रुप हो गए और कुछ और ग्रुप हो गए, उन्होंने लोगों को तंग करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो ग्रुप पहले राजा ने बैन किए हुए थे, जिनकी मूवमेंट के ऊपर बैन था, अब वो दोबारा से क्या होना स्टार्ट हो गए थे, एक्टिवेट हो गए थे, सिंपल पॉइंट्स में। नेक्स्ट, द सब्सिडरी सिस्टम हैड द डीमोरलाइजिंग इफेक्ट ऑन द प्रिंसेस ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट। बाय डिफॉल्ट यार काम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, उनको ये पहले बात समझ नहीं आई, पहले इस लालच में वो उन्होंने इसको अपना लिया कि यार हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे, हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने दूर की नहीं सोची उस टाइम पीरियड पे, मतलब उनको धीरे धीरे करके ये डीमोरलाइज करता रहा कि एक ब्रिटिशर का बंदा यार उनके दरबार में आके बिठा दिया ब्रिटिशर्स ने, और वो ये निगाह रखता रहता है कि सारा दिन क्या हो रहा है। तो इसका मतलब वो एक डीमोरलाइजिंग इफेक्ट था उनके ऊपर।
In course of time, the anarchy and the misrule in several states had resulted in their annexation by the Britishers. तो एक तरह का आप कह सकते हो प्रेसिडेंट रूल था. अब कल को अगर राजा जो है वो ब्रिटिशर के कहने पे काम नहीं कर रहा या प्रजा को तंग कर रहा है तो ब्रिटिशर कहेंगे यार आप प्रजा को तंग कर रहे हो, हम ऐसा नहीं करने देंगे. तो उसको क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे. तो ऐसे करके उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया. तो अगर आप देखोगे इंडिया के हिसाब से ये सारी डीमेरिट्स हैं लेकिन ब्रिटिशर के हिसाब से ये डीमेरिट्स नहीं है. तो पहला पॉइंट आपको पता लग गया, मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको, ध्यान से देख लो. पहला पॉइंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई. दूसरा, जो छोटे छोटे लोकल ग्रुप्स हैं वो एक्टिवेट हो गए जिन्होंने लोगों को तंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि राजा का जो काम है वो धीरे धीरे करके जो है वो ब्रिटिशर के हाथ में चला जाने लगा. तीसरा पॉइंट, जो राजा है जब प्रिंस है उनकी पावर जो है वो कम होती गई क्योंकि ब्रिटिशर रेजिडेंट वहां पे बिठा के रखा हुआ है जो क्या करेगा वहां पे तंग करेगा राजा को. और जो मिसरूल और अनार्की के खिलाफ जब बोलना स्टार्ट किया या मिसरूल या अनार्की के खिलाफ प्रजा ने बोलना स्टार्ट किया तो ब्रिटिशर ने क्या कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया. मतलब उनको ये कह के किसी स्टेट को कैप्चर कर लिया कि यार आप मिसरूल कर रहे हो, आप जो है वो यहाँ पे लोकतंत्र को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप लोगों को तंग कर रहे हो. तो ब्रिटिशर यही कह के जो है वो उस एरिया में क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे. जैसे आजकल करते हैं, आपको पता है कि किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, इमरजेंसी लगा देते हैं. तो इमरजेंसी लगा के उस एरिया को क्या कर लेते हैं, अपने अंडर कर लेती है सरकार. तो वैसे ही उस टाइम पे कौन करता था, ब्रिटिशर्स करते थे. सर बुक का नाम है तमिलनाडु बोर्ड की प्लस टू की बुक, सेकंड ईयर की बुक, याद रखना है. धनराज सर क्या फ्रेंच में पढ़ा रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो यार आप लोग, यार हिंदी स्लाइड्स के पीछे पड़े रहते हो आप लोगों को. मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि मेरी कोशिश जारी है हिंदी के लिए लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, तमिलनाडु बोर्ड की हिंदी की बुक जो है वो अवेलेबल नहीं है, हिंदी में नहीं आती तमिलनाडु बोर्ड की. जब हम एनसीईआरटी की स्टार्ट करेंगे उसमें हिंदी का आपको जरूर करवाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे. क्लियर, चलो. अंजलि सिंह, तमिलनाडु इंग्लिश में आता है, हिंदी वाला मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिए. यस, अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में करना है, आपको बेसिक जो है वो आपका स्ट्रांग है, तो आप एक बुक परचेज करें, हिंदी वाली कर लें, चाहे आप कोई भी बुक कर लें, तो उसमें से आप हिंदी का पढ़ सकते हैं. तो यार पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप यहाँ से स्लाइड डाउनलोड कर लो इसी को पढ़ लो. मेरा मतलब ये है कि आप कल को कोई भी बुक उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, उसको आप समझ सको. हाँ, आपको पता होना चाहिए यार ये हमें चीज आती है, स्टोरी हमें मालूम है, सिर्फ हमने एक्स्ट्रा चीजें जो है वो निकालनी है. अब ये बुक पढ़ने का फायदा होता है किसी भी बुक का. तो मुझे आपको यहाँ पे पढ़ाना नहीं है, कोई स्पून फीडिंग नहीं चल रही है यहाँ पे. स्पून फीडिंग कोई ऐसे नहीं कि मैंने ये आपको गोल के पिला दी और आपने पी ली और आपको आने लग गया. नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. अगर आपके मन में ये वहम है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आगे जाके भी नहीं होगा. मेरा यहाँ पे काम है सिखाना. सिखाने का मतलब है कि अगर आप आज ये पढ़ रहे हो, कल को अगर कोई और बुक भी पढ़ो तो भी आपको प्रॉब्लम ना है, कल को कोई तीसरी बुक पढ़ो उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना है. मतलब आप कल को हिस्ट्री को पढ़ो तो आप इंजॉय करो पढ़ के, बर्डन लेके मत पढ़ो. ये मेरा जो मैसेज है ये लोगों तक पहुंच जाना चाहिए. अभी हो गए हैं बहुत से लेक्चर पढ़ाते हुए और मेरे ख्याल से जो बच्चे डेली पढ़ भी रहे हैं उनको ये बात समझ आ भी रही होगी कि मेरा काम क्या है यहाँ पे. तो मेरा काम पढ़ाना नहीं है, मेरा काम सिखाना है यहाँ पे, कि कल को आप कुछ भी पढ़ोगे, क्योंकि देखो हर चीज टेम्परेरी है यहाँ पे. मैं भी यहाँ पे टेम्परेरी हूँ, आप लोग भी टेम्परेरी हो, तो आप भी किसी टाइम पीरियड पे छोड़ जाओगे. अगर यूपीएससी क्लियर हो गया इट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो छोड़ जाओगे, कल को किसी और को सिखाओगे कि कैसे पढ़ना है. तो भाई पढ़ने का पता होना चाहिए कि किस तरह से पढ़ना है ना. तो ऐसी चीजें जरूरी है. तो इन्फोर्समेंट ऑफ सब्सिडरी सिस्टम किस तरह से लागू हुआ, तो देखते हैं भाई किस तरह से लागू हुआ. बहुत इंटरेस्टिंग वे में लागू हुआ. सबसे पहले इसको निजाम्स ऑफ हैदराबाद ने मान लिया था. ये बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि सर फर्स्ट स्टेट बता दो कौन सी थी जिसने सब्सिडरी अलायंस को मान लिया था. भाई सबसे पहली स्टेट थी हैदराबाद, निजाम्स थे हैदराबाद के जिन्होंने इसको मान लिया था. कौन से ईयर में, 1798 में, बाय डिफॉल्ट 1798 में जो है वो दिया गया था और सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंदर वो आ गए थे. फिर आगे बारी अवध की. द थ्रेट ऑफ इन्वेजन ऑफ जमन शाह ऑफ अफगानिस्तान was pretext of Leslie to force the Nawab of Awadh to enter in a subsidy treaty. अब फटाफट अवध के राजा को कहा गया, नवाब को कहा गया कि भाई इसके अंदर आ जाएं, आपके ऊपर कहीं अफगानिस्तान का राजा जो जमन शाह है वो अटैक ना कर दे. और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब ये आए थे लेस्ली उस टाइम पीरियड पे कंडीशन क्या थी इंडिया की, और इनको डर था कि नॉर्थ वेस्ट से कौन ना आ जाए, जमन शाह ना आ जाए. और इसी डर को खत्म करने के लिए उन्होंने अवध के साथ साइन की ट्रीटी कि हमारी सेना लगा लो भाई फटाफट, कहीं अफगानिस्तान का राजा जमन शाह रूल ना कर ले. तो इसके बाद अवध ने साइन कर लिया. फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि लेस्ली अज्यूम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजोर, सूरत एंड द कर्नाटक बाय कंक्लूडिंग ट्रीटी विद द रिस्पेक्टिव रूलर्स ऑफ द स्टेट्स. क्योंकि आपको पता है फोर्थ एंग्लो मैसूर के अंदर टिप्पू सुल्तान मारा गया,
अब अगर टिप्पू सुल्तान मारा गया तो वहां पे जो पुराने रूलर्स थे वाद्यार डायनेस्टी के रूलर्स थे उनको क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया, और उनके साथ ये ट्रीटी क्या हो जाती है साइन। मतलब जिस जिस एरिया को कैप्चर करते जा रहे हैं वहां पे ब्रिटिशर रूल नहीं कर रहे, ये बात समझो, वहां पे ये रूल नहीं कर रहे, वहां पे क्या कर रहे हैं, पुराना ही बंदा कोई लगा के उसको अपने अंडर करके सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लेते हैं। क्योंकि इनका मोटिव उस टाइम पे था ही नहीं कि हमने किसी एरिया के ऊपर रूल करना है, पैसे तक मतलब था, वो आपको ऐसे भी आ जाएगा। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, रूल नहीं करना कहीं पे, तो इसी मोटिव के थ्रू जो है वो क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इसी रूल के थ्रू। नेक्स्ट फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के ऊपर आते हैं। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, यहां तक मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर होगा, फटाफट इसका जायजा लेते हैं। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर क्या हुआ, तो आप देखो यहाँ पे टिप्पू सुल्तान वांटेड टू एवेंज हिज ह्यूमिलेटिंग डिफीट। आपको पता है कि यह ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन हुई थी। अब मुझे आपको रिवाइज करवाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग बहुत कम पढ़ते हो। तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन हुई थी, आपको पता है 1792 में, थर्ड वॉर के बाद। यस सर, साइन हुई थी बिल्कुल। अब भाई अगर साइन हुई थी तो उसमें क्या साइन हुआ था, उसमें सर पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास साइन क्या हुआ था, पहला पॉइंट साइन हुआ था कि 3 करोड़ रुपए दोगे भाई, जिसमें से टिप्पू सुल्तान ने कुछ पैसे दे दिए, कुछ के बदले में उसका बेटा ले गए। दूसरा, कुछ एरिया जो है वो किसको देना पड़ा, ब्रिटिशर्स को देना पड़ा, और ब्रिटिशर ने वो एरिया किसको डिवाइड कर दिया, कुछ एरिया नवाब को दे दिया हैदराबाद के, और कुछ एरिया मराठास को दे दिया क्योंकि उनके साथ संधि साइन हुई हुई थी। तीसरा, और जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वो क्या कर दिए गए, छोड़ने पड़े। तो ये ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी जो है वो टिप्पू सुल्तान को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। टिप्पू सुल्तान को था कि यार मैंने किसी ना किसी तरह से बदला लेना है ब्रिटिशर से, तो बदला लेने के लिए उसका ये भी टारगेट था कि उसने मैसूर को और भी स्ट्रांग बनाना है, जो एरिया चला गया था उसको हमने क्या करना है, वापस लेना है। तो इसी इसी आप कह सकते हो चाह से, इसी मोटिव से टिप्पू सुल्तान ने जो है वो ब्रिटिशर से फिर से पंगा ले लिया। इट वॉज एट इट्स जंक्चर दैट लेस्ली रीच्ड कलकत्ता विद ए माइंड ऑलरेडी फिल्ड विद द फियर ऑफ नेपोलियन। ऊपर से आपको पता है कि यार नेपोलियन ने 1804 में अटैक भी कर दिया था किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर। तो इसका मतलब 1799 में नेपोलियन बहुत ज्यादा एक्टिव था, और ब्रिटिशर को यह भी डर था कि कहीं नेपोलियन इंडिया के ऊपर अटैक ना कर दे। और ये बहुत ही कम बुक्स में लिखा हुआ है, मैं एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल पढ़ रहा था बहुत ही टाइम पीरियड पहले, उसमें एक लिखा हुआ था एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिशर का यह सब्सिडरी अलायंस लेके आने का मोटिव एक नेपोलियन डर भी था कि अगर नेपोलियन इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है, हमसे वो वास्ट टेरिटरीज, एक फर्टाइल लैंड इंडिया की छीन लेता है, तो हमें जो है वो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, मतलब ये अच्छा नहीं होगा। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, एक ऐसी पॉलिसी तैयार की जिसमें वो हर एरिया में अपनी सेना लगा सकें ताकि अगर नेपोलियन अटैक करते हैं तो हम उनका सामना कर सकें। तो ये भी एक चीज है, ये आपने सोचनी है, और मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर दूंगा कि ये भी एक पॉइंट था, क्योंकि नेपोलियन इस टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। नेपोलियन से बचने के लिए जो राजा के पास सेना थी वो तो सक्षम थी नहीं, ये ब्रिटिशर को पता था, क्योंकि वेपन्स अच्छे नहीं है, स्किल नहीं अच्छी। तो नेपोलियन से बचने के लिए उन्होंने ये ट्रीटी जो है वो सारे राजाओं से साइन करवाई ताकि हर राजा के एरिया में ब्रिटिशर की सेना हो, और कल को नेपोलियन अटैक करेगा तो हम क्या कर लेंगे, नेपोलियन को हारने मतलब जीतने जो है वो नहीं देंगे, मतलब नेपोलियन को हरा देंगे। तो ये भी एक आपने माइंड में रखना, और मेरे ख्याल से मैंने आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया, हाँ ये भी एक साइड हो सकती है, तो सोच सकते हो आप इसको। तो लेस्ली सेट आउट ऑफ परस्यू टिप्पू टू एक्सेप्ट ए पैक्ट सब्सिडरी अलायंस। लेस्ली गया टिप्पू के पास कि ठीक है भाई, हम आपकी बातें मानने के लिए तैयार है, मैसूर को एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बना देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, सब्सिडरी अलायंस आपके साथ साइन करेंगे। एंड रोट लेटर्स रिक्वेस्टिंग द टिप्पू टू डिसमिस द फ्रेंच। क्योंकि सब्सिडरी अलायंस का एक पॉइंट है कि आप फॉरेन कोई भी चीज जो है आप अपने पास नहीं रख सकते, कोई भी यूरोपियन जो है वो सेना आपके यहाँ पे काम नहीं कर सकती। तो उसने कह दिया भाई फ्रेंच को निकाल दो अपने एरिया के अंदर, टू रिसीव एन इंग्लिश एनवॉय, ताकि इंग्लिश जो है वो वहां पे आके सेटल हो सके। एंड टू मेक टर्म्स विद द कंपनी एंड इट्स अलाइज, और कंपनी के साथ आप साइन कर लें ये ट्रीटी। लेकिन आपको पता है कि यार टिप्पू ऐसा बंदा तो था नहीं, टिप्पू ने जो है वो इसको मना कर दिया, टिप्पू ने जो मना कर दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हो मद्रास का किंगडम कितना छोटा रह गया था, कितना छोटा जो है वो मद्रास का किंगडम रह गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मद्रास का किंगडम था। और इतनी टेरिटरी कौन ले गया, इतनी टेरिटरी ले गया भाई निजाम ऑफ हैदराबाद, कौन ले गया, निजाम ऑफ हैदराबाद। और ये वाली अगर आप टेरिटरी देखोगे, ये वाली अगर टेरिटरी देखोगे, ये कौन ले गया, ये ले गया, ये मराठास ले गए, है ना, ये शिवाज टेरिटरी है उस टाइम पीरियड पे। तो मद्रास आर्मी विच वॉज लेड बाय द गवर्नर जनरल ब्रदर आर्थर लेस्ली फोर्स्ड। तो मद्रास आर्मी जो है वो लेड करते हैं, विच वॉज लेड बाय द गवर्नर जनरल ब्रदर आर्थर लेस्ली फोर्स्ड। तो मतलब मद्रास के ऊपर क्या कर दिया गया, अटैक कर दिया गया। और मद्रास किसके अंडर था उस टाइम पीरियड पे, ब्रिटिशर्स के अंडर था, और लॉर्ड लेस्ली का ब्रदर ही था आर्थर लेस्ली जो इसको लीड कर रहा था।
टिप्पू टू रिट्रीट हिज कैपिटल सेरिंगपट्टनम। टिप्पू जो है वो भाग गया, कहां पे भाग गया, सेरिंगपट्टनम, दोबारा से कहां पे छिप गया, जाके कैपिटल में छिप गया। ऑल्दो सीवियरली वाउंडेड, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो क्या था, घायल हो चुका था। ही फॉट टिल हिज कैपिटल सेरिंगपट्टनम वाज कैप्चर्ड, लेकिन यार इतना ज्यादा बहादुर था, जब तक सेरिंगपट्टनम ब्रिटिशर के हाथ में नहीं चली गई तब तक जो है वो लड़ता गया, और जब तक मारा नहीं गया वो तब तक लड़ता गया। मतलब उसकी अंतिम इच्छा यही थी कि वो ब्रिटिशर को किसी ना किसी तरह से हरा सकें। बिल्कुल यस, मैसूर आज का कर्नाटक है, बिल्कुल मैसूर आफ्टर द वॉर। तो मैसूर तो भाई पता है, मैंने बताया ब्रिटिशर भाई रूल अभी आया ही नहीं, प्रिंसिपल रूल वाला, अभी वो क्या करना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूल करने के लिए यहाँ पे एक ऐसे बंदे को बिठाना पड़ेगा जो ब्रिटिशर के कहने पे काम कर सके। तो उन्होंने पुरानी ही डायनेस्टी का एक बंदा जो है वो वहां पे क्या बना दिया, रूल बना दिया। कौन सी डायनेस्टी, जहां से हैदर अली जो है वो राजा बना था, मतलब जिसके अंडर हैदर अली काम करता था। विद द फॉल ऑफ टिप्पू सुल्तान द किंगडम ऑफ मैसूर फेल एट द फीट ऑफ लेस्ली, मतलब सारा पार्ट जो है वो मैसूर का किसके अंडर आ गया, लॉर्ड लेस्ली के अंडर आ गया। ही रिस्टोर्ड हिंदू रूल, वहां पे उसने दोबारा से किसको स्टार्ट कर दिया, वाद्यार डायनेस्टी को स्टार्ट कर दिया। याद रखना है कौन सा वंश चल रहा था, वाद्यार डायनेस्टी। मतलब टिप्पू सुल्तान के राजा बनने से पहले, इवन हैदर अली के राजा बनने से पहले कौन सा राजवंश चल रहा था वहां पे, वाद्यार डायनेस्टी चल रही थी। और यहाँ पे राजा किसको बना दिया गया, कृष्णा थ्री, जो कि एक माइनर राजा था, और ब्रिटिशर को पता था कि इनको हम किसी ना किसी तरह से क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। तो मैसूर तक बताएं सब बच्चे कि क्लियर है या नहीं क्लियर। तो हमने आज जो चीजें कर ली हैं वो कौन कौन सी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी चीजें हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब लॉर्ड लेस्ली आए थे तो कंडीशन कैसी थी, कंडीशन बहुत ही बुरी थी। नॉर्थ वेस्ट से खतरा था, जमन शाह से अफगानिस्तान के राजा थे, वहां से मराठास की पावर बढ़ रही थी, उनको हराना था, और निजाम की पावर बढ़ रही थी क्योंकि वो फ्रेंच आर्मी को रिक्रूट कर रहे थे, और सबसे बड़ा खतरा था मैसूर का। तो ये बहुत ही बुरी चीज थी। फिर सब्सिडरी सिस्टम आ गया, दो बार डिस्कस कर चुके हैं, मेरिट्स डिफेक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का कर चुके हैं, छोटे जो ग्रुप्स थे वो स्टार्ट हो गए अपना लोगों को तंग करने के लिए, और इससे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। फिर कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स उनके अंडर आ गई थी, मैंने ये भी बता दिया आपको कि सबसे पहले निजाम आए थे, फिर उन्होंने अवध के साथ ट्रीटी साइन कर ली इस डर से कि हाँ जो जमन शाह है वो अटैक ना कर दे वहां पे, तो यहां से उन्होंने ट्रीटी साइन कर ली। उसके बाद जो है वो इन्होंने कर्नाटक हो गया या कुछ और एरियाज के ऊपर क्या कर लिया, अटैक कर लिया। फिर फोर्थ मैसूर वॉर और फाइनल टिप्पू सुल्तान की क्या होगी, डेथ होगी। तो यहां तक मेरे ख्याल से पहले 5 पॉइंट क्लियर होंगे, और 2 पॉइंट्स हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर जल्दी खत्म हो जाते हैं तो इट इज गुड, अगर नहीं भी होते तो कोई बात नहीं, हम इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, नहीं हम अगले लेक्चर में अगला चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो सारे बच्चे यार इसी तरह से जुड़े, मेरी रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि यार ये हिंदी इंग्लिश वाली स्लाइड ये सिर्फ एक मन के अंदर वहम है, आप पढ़ के देखो एक बार, मेरे कहने से कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगी। ये सिर्फ एक मन के अंदर है कि यार हिंदी में स्लाइड नहीं बनी हुई तो हमें समझ नहीं आएगा, ये सिर्फ एक वहम है। मैं बोल हिंदी में रहा हूं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सिर्फ समझें कि जो चीजें मैं बोल रहा हूं, ताकि आप सिर्फ इसी बुक को ना पढ़ सकें, आप कोई भी बुक को जो है वो अच्छे से पढ़ सकें। तो इसी लक्ष्य के साथ जो है मैं पढ़ाता हूं, कोई मन में वो नहीं है कि हाँ आपको सिर्फ इतना ही करवाना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें आपको करवा के जाता हूं मैं। चलो तो यार अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लें इसी तरह के लेक्चर देखने के लिए। तो टॉप 100 एजुकेटर्स, तो आप जो है वो मेरे साथ जुड़ते हो डेली, तो टॉप 100 एजुकेटर जो है यार वहां पे पढ़ा रहे हैं। आप सोचो इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, बहुत ही आगे निकल चुके हैं, और वो आपको पढ़ा रहे हैं। इतने कोर्सेज ऑलरेडी वो चल रहे हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं, और इसकी सब्सक्रिप्शन आप ले लें यार, कॉस्ट बहुत ही कम है। अगर आप देखोगे ऑफलाइन कोचिंग के मुकाबले तो सिर्फ 25% फीस जो है वो अनअकैडमी आपसे ले रहा है। मतलब प्लस कोर्स में आपको फ्री लाइव क्लासेस दिख रही हैं, टेस्ट सीरीज दिख रही हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल है, और सबसे बड़ी बात है कि एक टीचर नहीं है एक सब्जेक्ट का, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, क्योंकि आप ऑफलाइन में जाओगे एक टीचर दे देंगे समझ आ गया नहीं आया, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर एक से नहीं समझ आया दूसरे से कर सकते हो, दूसरे से नहीं तीसरे से कर सकते हो, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है। और फीस मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही बहुत कम है, तो आपके लिए जो बेस्ट बाय है वो मैं हमेशा कहता हूँ वो है 1 साल और 2 साल की वैलिडिटी, क्योंकि यूपीएससी की जो यार दोस्तों जर्नी है ना वो मतलब ऑलमोस्ट जो है वो 9 से 10 महीने की है, तो उसमें अपने रिवाइज भी करना है, पढ़ना भी है, अपने टेस्ट सीरीज भी लगानी है। तो 1 साल से 2 साल तक की वैलिडिटी का कोर्स जो है वो आप ले सकते हो, और इसको आपने इसी प्राइस पे नहीं ले लेना, आपने 10% डिस्काउंट लेना है। कौन से कोड को यूज करना है, आशु कोड को दोस्तों यूज कर लेना, इससे आपको 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा और प्राइस कम हो जाएगा। और गाइस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये एक अलग तरह की सब्सक्रिप्शन है जिसमें 4 चीजें तो आपको वही मिलेंगी, लेकिन कुछ चीजें हम आपको एक्स्ट्रा देंगे।
वो कौन सी है? वो है हमारे पास, वो है हमारे पास पर्सनल कोच। ये सबसे बड़ी चीज है जो आपके लिए असाइन कर दिया जाएगा, एक पर्सनल कोच जो आपका एक स्टडी प्लानर की तरह काम करेगा, स्टडी को प्लान करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके डेली मेंस आंसर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाएगा और एक पर्सनलाइज फीडबैक जो है वो आपको देगा। और गाइस इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस जो है वो आपको थोड़े से ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड को अपने रेफरल कोड के अंदर यूज कर लेते हो, तो आपको हमेशा 10% डिस्काउंट जो है वो कम प्राइस पे जो मिल जाएगा। और आइकॉनिक का प्राइस यार दोस्तों बढ़ने वाला है, तो मैं फटाफट कह रहा हूं उन बच्चों को, अगर आपका कोई रिलेटिव है या कोई भी है तो आप इसको यार फटाफट जो है वो परचेज कर लें, आपको बेनिफिट जरूर होगा। और अगर किसी बच्चे को ऑप्शनल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम बहुत ही कम प्राइजेस में, बहुत ही कम प्राइस में हम आपको ऑप्शनल दे रहे हैं, 1 महीने से लेकर 3 साल तक की वैलिडिटी के लिए। तो 12 महीने और 2 साल की वैलिडिटी जो सबसे बेस्ट बाय है, लेकिन आपने इस प्राइस पे नहीं खरीदना। इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड को क्या कर लेते हो, यूज कर लेते हो। और सब बच्चे यार इसको यूज कर सकते हैं मेरे ख्याल से, जो भी बच्चे जो करना चाहते हैं। और गाइस कॉम्बो जो है वो आप खरीद सकते हो, कॉम्बो में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि कॉम्बो में प्राइजेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। चाहे आप ऑप्शनल के साथ कंबाइन कर लें, चाहे किसी के साथ भी कंबाइन कर लें, कॉम्बो में प्राइजेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और आपने कोड कौन सा यूज करना है, आशु कोड को क्या करना है, यूज करना है, तो ये आपके लिए जो है वो फायदेमंद होगा। तो गाइस एक इंफॉर्मेशन आपके लिए, अनअकैडमी समिट 2.0 ये होने वाली है 30 से 31 जैन को, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उसके साथ जुड़े, जो कि आपकी जो सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन है वो एनहेंस हो जाएगी। आप बहुत अच्छे अच्छे जो स्पीकर्स हैं, जो बहुत ही अच्छी अच्छी पोजीशंस पे आजकल, उनसे आप सीख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो पी चिदम्बरम है, कपिल सिब्बल है, यहाँ पे दुर्गा शक्ति नागपाल जी हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, खास करके आप अशोक खेमका जी के बारे में जानते होंगे, कुमार विश्वास हैं, तो इनका एक्सपीरियंस और किस तरह से आप इनसे बहुत सी चीजें सीख सकते हो। तो 30th और 31st को आप इनके साथ जुड़े और अनकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जुड़े। तो 2 दिन होंगे, 70 स्पीकर्स होंगे और 20 तरह के जो है वो बातें होंगी, टॉपिक्स होंगे डिस्कशन के और वर्कशॉप्स होंगी जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो बिल्कुल याद रखना है और ये अनअकैडमी यूपीएससी समिट के साथ जो है वो आपने जुड़ना है। और गाइस अनअकैडमी कॉम्बैट के साथ जुड़ जाए, 7th of February को आपका एग्जाम होगा, मतलब एक तरह से टेस्ट होगा, एक तरह से क्विज होगा जो कि हम हर 15 दिन के बाद लेते हैं और 11 AM को ये होगा। इसमें इनरोल हो जाए, सब बच्चों के लिए ओपन है, सब बच्चे इसमें हिस्सा जो है वो ले सकते हैं। तो 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे, 6 सेक्शंस होंगे, तो फटाफट इसके साथ जो है वो जुड़ जाएं। इसमें हम फर्स्ट 3 रैंकर्स को 3 महीने की अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और रैंक 4 से 150 तक हम 1000 रुपीज के अमेजोन वाउचर जो है वो देते हैं। तो गाइस 2021, 2022 और 2023 के बैचेज जो है वो ओपन हो चुके हैं, आप इसके साथ जुड़े और आप बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। 100 बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा ये कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, 22 के लिए भी और 23 के लिए भी स्टार्ट हो चुके हैं और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी है। पूरा कोर्स हिंदी में होगा, स्लाइड्स हिंदी में होंगी, सब कुछ हिंदी में होगा। तो गाइज इस कोड का यूज कर सकते हैं आप, आशु कोड का यूज करें। अनअकैडमी की ऐप पे चाहे तो आप किसी भी तरह से फ्री कोर्स को देख रहे हैं, चाहे आप जो है वो पेड कोर्स को देख रहे हैं, आपको वो असेस करने के लिए कोड पूछेगा। तो आपने कौन सा कोड यूज करना है, आशु कोड का यूज करना है। मैं समझ जाऊंगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस कोड का यूज कर रहे हैं। इससे आपको 2-3 फायदे होंगे, आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस तो रहेगी रहेगी, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे जो है वो मैसेज भी कर सकते हो और इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जुड़ जाएं, आपको लेक्चर जो है वो यहीं पे मिल जाया करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो इसको कर दें। थैंक यू गाइस, टेक केयर और मिलते हैं आज 2:30 पे। आज हमने चर्चा करनी है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में, 50 साल पूरे हो चुके हैं और हम मिलेंगे 2:30।